इत्थे दस दईए कि पीएम मोदी प्रीख्या ते चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते, शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले, फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं उन्होंने, गए थे कर्तव्य पथ पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है, और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे, कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्कार। माय नेम इज अश्विनी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केंद्र विद्यालय नंबर 2 मदुरई तमिलनाडु। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, हाउ डू आई डील विद माय फैमिली डिसअपॉइंटमेंट इफ माय रिजल्ट्स आर नॉट गुड? व्हाट इफ आई डोंट गेट द मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग? बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज ऑल्सो नॉट एन ईजी जॉब। एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स बिकम सो हाई that the person who's giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Dhanyavad, Ashwini. Honorable Prime Minister, sir. Navtej Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi. The imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtej is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtej, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Navtej Jagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. Thank you, Navtej. माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका प्लस 2 विद्यालय से, राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेज एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गुगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में, क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं
और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए, चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए? क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे? थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का छक्का शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है? क्या ऐसा करता है? क्या कोई प्लेयर चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है, फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहे। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना, वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए एंकर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहें, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ।
माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, परीक्षा और नो परीक्षा। आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूँ कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर तीन विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा, मैंने दो दो घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं। और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था, पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, यूं यूं खींचेगा क्या, ताकत लगाएगा क्या, ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी
आराम से खुल जाएगा और सारा मजा सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा माँ करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तभी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए।